क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीराम है, गांव नवापुरा है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो जालौर है और हमारे ये खजूर की फार्म है और ये क्रॉप मतलब 2011 में इनकी लॉन्च हुई थी और हमने ये लगाया है। इनमें बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। मतलब 2011 में आपने प्लांटेशन किया था खजूर? हाँ, 2011 में किया था और आज 2022 हो गया। 22 हो गया बराबर बराबर। तो आपने, आपको 11 साल हो गया है 11 साल इसका प्लांटेशन किया। तो कितने साल बाद आप प्रोडक्शन लेने लगे थे? प्रोडक्शन 3 साल के बाद में लेना शुरू कर दिया था। 3 साल के बाद लेना प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। अभी कितना प्लांट है आपके पास खजूर का? खजूर का 600 प्लांट है, उनमें से 300 प्लांट बरी के और 300 मेडजुल के। बराबर। तो हर साल अगर देखा जाए तो खजूर में कितनी आमदनी आपको हो जाती है? इसमें आमदनी ऐसे देखा जाए तो क्या है कि वैसे तो आमदनी भाव पर डिपेंड करती है, लेकिन पर पौधा मतलब 200 किलो माल दे सकता है। इसमें 40 से 45 या 50 रुपये में आराम से बिक जाता है और अच्छी मुनाफा मिलता है। तो टोटल कितने लाख का हुआ जाके? मानो ये ठीक है 8-10 लाख की बड़ी बड़ी में पैदावार हो जाती है। मतलब हर साल आप खजूर की फसल से 8-10 लाख रुपए कमा रहे हो? कमा रहे हैं। बराबर। हाँ। तो जैसा कि आपके आपके बारे में मैंने सुना, गांव में आप राजस्थान गवर्नमेंट से अवार्ड भी ले चुके हो। 2011 में अशोक गहलोत जी ने, जो ये प्रगतिशील किसान थे और उनको राज्य स्तर पर दिया अवार्ड, तो हमारा भी उसमें नाम शामिल था। मतलब आप ये किसान यूनियन में देखा जाए तो आपने 2011 में अवार्ड भी ले चुके हो। हाँ, बराबर। तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ। कि आप मतलब किस तरीके नई क्रॉप गांव में लेके आते हो, थोड़ा रिस्क लेते हो, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करिएगा आज हमारे। हाँ। साथ सारे किसान जी। रिस्क लेना तो अपना काम ही है, बस शुरुआत में हम रिस्क तो ले लेते हैं। हम 2011 में अनार की 2 बार मैंने मतलब बुवाई की थी तो उसमें सही नहीं आया और मैंने निमोटाइड के कारण वो मतलब खराब हो गई। हाँ। और उसका कारण ये था कि अपन को इतनी जानकारी नहीं थी, अब उसको बहुत अच्छी जानकारी है। मेरे को 3000 पौधे और अनार के लगे हुए हैं टीचू कल्चर और बहुत ही अच्छी पैदावार है। और खजूर के बारे में देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है और ऑर्गेनिक भी है, इसमें फर्टिलाइजर कुछ नहीं आता है। मतलब आपने ये फसल ऑर्गेनिक कर रखी है? ऑर्गेनिक कर रखी है, इसमें फर्टिलाइजर कुछ नहीं आता है। बराबर बराबर। तो और मतलब आज के नए किसान, जो हमारे नए युवक किसान तैयार हो रहे हैं। हाँ। इनको आप क्या बोलना चाहोगे खेती के बारे में? क्योंकि आज किसान को खेती के बारे में नेगेटिव किसान सोच रहा है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, नेगेटिव किसान को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि अगर ज्यादा हो जाएगी तो हमको भाव नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें आबादी बढ़ रही है, इसकी डिमांड बहुत हो रही है, अगर अपने पास में अगर ज्यादा हो जाए तो हम मतलब दूर भेज सकते हैं, नहीं तो अपन मतलब छोटे होता है, कम होता है माल, तो हम भेजना कठिन होता है। बराबर। तो जैसे खजूर की आप क्रॉप कर रहे हो। हाँ। तो इसका खुद का पैकिंग भी किया जा सकता? हाँ, है खुद पैकिंग करके ही बाजार में मार्केटिंग करते हैं। मतलब आप खुद पैकिंग करके इसको मार्केट में भेज? हाँ, रहे हो? हाँ बिल्कुल। बराबर। तो मार्केट में बेचने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर। और कौन सी क्रॉप आप करते हो? बस ये मतलब एक तो बेर है, थाईएप्पल मेडजुल खजूर है, वो दूसरा पार्ट है, उसमें 2015 में लगी हुई है। अच्छा। और मेडजुल खजूर तो बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिटी है, मानो तो अपन मतलब उसे कैलोरी बहुत ज़्यादा है और देखा जाए तो इनका रेट भी अच्छा मिलता है, 1000 प्रति किलो के बाद से बिक जाता है। ये मतलब जब आपने गांव में आज के 11 साल पहले खजूर का प्लांटेशन किया था। हाँ। तो गांव में क्या लोग बोल रहे थे आपके बारे? नहीं में? लोग तो बोल रहे थे कि मतलब प्रगतिशील किसान जो आगे आगे जो काम करते रहेंगे वो करते ही रहेंगे। मैंने फर्स्ट बार में चांदल लाठी गया था जैसलमेर में, वहाँ गवर्नमेंट का प्लांट लगा हुआ था 11000 पौधे, तो मैंने फुल उसको गहराई से देख कर ये काम किया ताकि अपन भी सफल हो गए। बराबर। और आज गांव में बोल रहे हैं लोग कि आपका नाम खजूर के नाम से क्यों फेमस है? ये खजूर मतलब लगभग जालौर जिले में ज्यादा खजूर के पौधे यहीं लगे हुए हैं। बराबर। हाँ। जैसे गांव में कोई भी पूछता है तो आपका नाम खजूर के नाम से जोड़ दिया। हाँ, जाता है। जोड़ने का कारण ये हमें ज्यादा खजूर के पौधे लगे हुए हैं। तो दिखाना जरा, आज मैं फ्रूट का क्वालिटी भी दिखा रहा हूँ, इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं।
और फ्रूट का क्वालिटी देखो, शाइनिंग देखो, और अगर देखा जाए तो ये एक जो बंच है इसको क्या बोलते हो आप? अब एक लूम को लूम बोलते हो ना, ये लूम पे कितना किलो होगा वजन? ये मतलब 10 किलो से लेकर 25 किलो तक हो जाता है। एक पौधे में कितना लूम लगता है आपका? 15 से 18 आराम से। एक पौधे में 15 से 18 लूम लगता है आराम से, और एक लूम का वजन औसत 10 किलो 10-15 किलो औसत 10 से 15 किलो तक जाता है। औसत 15 किलो माना जाता है, औसत 15 किलो। ये मान लो 15 किलो है तो ये 25 किलो मार, ये अभी 25 किलो है। हाँ, इतना बड़ा है। हाँ, देखा जाए तो ये लूम से वो लूम का साइज बहुत बड़ा है। हाँ। तो मोतीराम जी, ऐसे ही मतलब आप किसानों को प्रोत्साहन एक तरीके से कर रहे हो। जब 11 साल पहले आपने इसका प्लांटेशन किया था तो आपको भी नहीं पता था कि 2022 तक आप लगभग हर साल 8 से 10 लाख रुपए आवक करोगे खजूर की फसल से। आज मतलब आपको देखकर गांव में कई ऐसे किसान तैयार हुए जो कि खजूर की खेती करना चाहते हैं, और शायद आज हमारे चैनल के माध्यम से भी और किसानों को सीख मिलेगी कि हम खेती को किस तरीके टेक्निकल माध्यम से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं, और अपनी जमीन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसान से मिलाते रहेंगे जो कि आपको सही मार्गदर्शन देंगे। और किसानों का मेरे पास में मतलब हर 2-3 दिन में कॉल आते रहते हैं, दूर से आते हैं ये यूट्यूब के माध्यम से।